डॉक्टर मेहुल भट्ट, वंस अगेन, कोविड वैक्सीन के बारे में अभी भी लोगों के मन में कितने सवाल है। क्या मुझे कोमॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर वगैरह है तो मैं ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो। क्या मेरी खून पतला करने की गोली चल रही है तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो। क्या मुझे कोई खाने की या कोई दवाई की एलर्जी है तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो। खाने और दवाई की एलर्जी और वैक्सीन की एलर्जी दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर आपको पहले कोई वैक्सीन से रिएक्शन आया है तो आप कोविड का वैक्सीन अवॉइड कर सकते हो। क्या मुझे पिछले साल कोविड हुआ था तो इस साल मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो। क्या पीरियड्स के दौरान मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? यस, आप ले सकते हो। तो कब वैक्सीन नहीं ले सकते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल परमिशन प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन के लिए नहीं दी है। एट द सेम टाइम जिसका अभी अभी डिलीवरी हुआ है, जो बेबी को फीड कर रहे हैं, तो लैक्टेशन के दौरान भी कोविड का वैक्सीन नहीं ले सकते। और एक चीज़, अगर आपने रिसेंटली कोविड से रिकवर किया है तो आपके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज़ है, तो आप 2 या 3 महीने तक आपका वैक्सीनेशन डिले कर सकते हो। अगर आपने पहला डोज ले लिया है और बीच में आपको कोविड हो गया और उसके बाद आप अपना कोविड का सेकेंड डोज थोड़ा डिले कर सकते हो। घबराइए मत, क्योंकि आपके कोविड के बाद आपको नेचुरल एंटीबॉडीज़ 2-3 महीने तक रहेंगे, तो आप अपना सेकेंड डोज 2-3 महीने से डिले कर सकते हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जब भी आप दूसरा डोज लोगे तभी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में कोई एक्टिव कोविड का पेशेंट है तो आप अपना वैक्सीन का डोज डिले कर लीजिए। अगर आपको खुद को कुछ बुखार या कोई एक्टिव बीमारी है तो आप अपना वैक्सीन का डोज डिले कर दीजिए। कौन सा वैक्सीन लेना है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उसमें उसकी झंझट में आप मत पड़िए। दोनों वैक्सीन प्रूवन है, दोनों वैक्सीन में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। जो वैक्सीन नज़दीकी सेंटर में जल्द मिल रहा है वो वैक्सीन आप ले लीजिए। तो यही मैसेज इस वीडियो में सभी के लिए। थैंक यू।